नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया फर्स्ट के इस खास प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के जरिए हम आपके सामने पेश करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के उन अनछुए पहलुओं को जो अक्सर जो सिर्फ चर्चा में बन के रह जाते हैं या फिर अखबारों की सुर्खियां नहीं बन पाते हैं। और ये तमाम जो रिसर्च है या कहा जा सकता है खबरों का जो पूरा खजाना है, गोपनीय खबरों का जो खजाना है, वो आपके सामने लेकर आए हैं अग्निबर्ण समूह के ग्रुप संपादक रविंद्र जैन साहब। रविंद्र जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि रविंद्र जैन जी ये तमाम जो पूरा कॉलम है वो सुनी सुनाई के नाम से प्रकाशित करते हैं, जो कि आप अग्निबर्ण अखबार में नियमित तौर पर पढ़ भी सकते हैं। हम उन्हीं खबरों को लेकर आपके सामने चर्चा करें इंडिया फर्स्ट के इस खास प्रोग्राम में। तो सर, आप शुरुआत करते हैं जी। सर, सबसे पहले आपने लिखा है कि मोदी जी की राह पर शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चल रहे हैं, इसके पीछे क्या आपका लॉजिक है? दरअसल बहुत बड़ा फैसला मध्य प्रदेश में हुआ है और लंबे समय से उसकी प्रतीक्षा थी, और वो था मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होना। लेकिन बड़े आश्चर्यजनक बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान को जितना मैं जानता हूँ, वो हर मुद्दे पर पहले अपने कैबिनेट में बात करते हैं, पार्टी में बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, उसके बाद में कोई फैसला करते हैं। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी पहले निर्णय लेते हैं और बाद में अपने साथियों को बताते हैं, लगभग वैसा ही शिवराज जी ने किया है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने से पहले एक तो संडे चुना उन्होंने, रविवार का दिन चुना, उस दिन मुख्य सचिव जी अपने फार्म हाउस में थे, डीजीपी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लखनऊ गए हुए थे और गृह मंत्री जी अपने गृह जिले में व्यस्त थे। ऐसे समय में जबकि तीनों जिम्मेदार लोग यहाँ नहीं थे, शिवराज जी ने इसकी जो घोषणा की, मुझे लगता है ये पूरा पैटर्न नरेंद्र मोदी पैटर्न है। और ऐसा लगता है कि शिवराज जी का जो आगे आने वाला समय है वो नरेंद्र मोदी पैटर्न पर चलेंगे, वो पहले फैसले करेंगे और उसके बाद में वो अपने साथियों से चर्चा करेंगे। इससे बड़ा एक मैसेज भी चला गया सर कि कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि सरकार को अफसर चला रहे हैं, वो इस बार इस तरह की संवाद सुनने में, देखिए ये बिल्कुल तय है, शिवराज जी का जो चौथा कार्यकाल है उसको लेकर अधिकारी बहुत ज़्यादा मतलब घबराए हुए हैं कह सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि उन्होंने पहले एक होता था कि एक कोटरी बनी हुई थी शिवराज जी के चारों ओर अधिकारियों की, ये कहा जाता है कि फला अधिकारी उनका नज़दीक है, वो नाक का बाल है, उसके बगैर सत्ता में कुछ नहीं होता। पर ये चौथे कार्यकाल में एक भी अधिकारी इस बात का दावा नहीं कर सकता और मीडिया के लोग भी दावा नहीं कर पा रहे हैं कि शिवराज जी इस अधिकारी के कहने पर चल रहे हैं या ये अधिकारी उनका बहुत ज़्यादा खास है। इस बार शिवराज जी ने अपने आसपास अधिकारियों का जो जमावड़ा है उसको पूरी तरह हटा दिया है, सारे फैसले वो खुद कर रहे हैं और कई बार तो ऐसे फैसले कर रहे हैं कि कैबिनेट के उनके साथियों को भी हवा नहीं देती और उसका निर्णय शिवराज जी पहले कर देते हैं। बहुत ही अलग अंदाज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के नरेंद्र मोदी जी के अंदाज में दिखाई पड़ रहे हैं। सर, दूसरी खबर आपने लिखा है कि मलैया जी की, जयंत मलैया जी की नई पारी को लेकर आपने लिखा है और आपने इसमें साफ तौर पर बताया कि भाई कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं। जयंत मलैया जी कद्दावर नेता हैं सर, मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं और आपके तो काफ़ी करीबी भी जुड़े हुए हैं, तो ये किस तरह की खबरें आपको मिल रही? देखिए आशुतोष जी, ये खबर निकली है जो आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वयं मीडिया में आके बयान दिया है कि जयंत मलैया जी कभी भी आप पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कॉलम में लिखने का उद्देश्य ये था, वैसे अपने आपके दर्शकों को बता दूं कि मलैया जी इस समय अस्वस्थ हैं और उन बंसल अस्पताल में भर्ती होने की सूचना थी, मैंने फ़ोन लगाया, मेरा संपर्क नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह का विहेव पार्टी ने उनके साथ किया है, जिस तरह का उनको नोटिस दिया गया है निलंबन का, जिस तरह उनके बेटे को पार्टी से निकाल दिया गया है और दोबारा लेने के बारे में कोई विचार नहीं हो रहा है, अपना सारा पक्ष मलैया जी ने खुद बीडी शर्मा जी के सामने रखा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे ने मुलाकात की, लेकिन इसके बाद भी दमोह हार जो हुई है उपचुनाव में उसका पूरा ठीकरा मलैया जी और उनके परिवार पर जिस तरह से फोड़ दिया गया है, निश्चित तौर पर मलैया जी को लग रहा है कि उनका राजनीतिक पारी तो लगभग ढलान पर है ही। उनका बेटा जो इस समय बहुत तेज़ी से उठ रहा था उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलने की अब आगे भविष्य नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि कुछ नए ठिकाने की तलाश में हों। और मलैया जी अकेले क्यों, भारतीय जनता पार्टी में मलैया जी के कई ऐसे साथी हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीति रीतियों पर चोट कर रहे हैं। आप अजय बिश्नोई को देख लीजिए, अजय बिश्नोई लगातार ट्वीट कर रहे हैं, आप विजय सिसोदिया जी को देख लीजिए, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अब हमारा खुद का घर ऐसा लगता है कि जो नए लोग आ गए हैं उन्होंने हमारे घर के आगे अपनी नेम प्लेट लगा ली है, ये चेहरे हमारे लिए नए हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मलैया जी की पीढ़ी के जो नेता हैं वो असंतुष्ट हैं, और यदि मलैया जी आप ज्वाइन करते हैं तो आप ये मान के चलिए ये डिसीजन अकेले मलैया जी का नहीं होगा, उनके पीछे कई ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं पार्टी को मैसेज देने के लिए मलैया जी को आगे करके इस तरह का कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी क्यों ऑप्शन में, मतलब दूसरे पार्टी भी इसमें ऑप्शन में हो सकती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का होना किस तरह का आपको मध्य प्रदेश में जो तीसरे दृष्टिकोण को आप देख रहे हैं? देखिए आप लगातार देखिए आम आदमी पार्टी उन राज्यों में लगातार पैर पसार रही है,
जहां चुनाव होने हैं और जहां अभी अब आप देखिए गोवा आम आदमी पार्टी पहुंच गई, पंजाब में वो लगातार सक्रिय है, यूपी में लोग सक्रिय हैं, वो अब दो साल बाद मध्य प्रदेश में भी उनको सक्रिय होना है। तो अभी से आम आदमी पार्टी उन लोगों पर से संपर्क कर रही है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कमजोर नस है। और हम कह सकते हैं कि मलय जी कमजोर नस तो हैं इस समय, मलय जी हों या अजय विष्णु जी हों या बिजन सिसोदिया जी हों या इस तरह के और नेता हैं, चाहे अनूप मिश्रा जी हों, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगली बार उनको टिकट नहीं मिलेगा। और उन्हें तो छोड़िए, उनके उत्तराधिकारी चाहे उनके बेटे हों, भतीजे हों या उनके और रिश्तेदार हों, उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलने की संभावना नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी उन लोगों को तलाश रही है जिनके माध्यम से वो अपनी यहाँ पैठ जमा सकती है। ये अनुभवी नेता हैं, मध्य प्रदेश की नस को पहचानते हैं और मध्य प्रदेश में किस तरह से राजनीति की जाए ये लोग समझते हैं। और यही कारण है, और जो आपने पूछा मुझसे कि मलैया जी आखिर आप पार्टी ही क्यों जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाएंगे ही, लेकिन चर्चा में है ये बात, ये मैंने लिखा है। लेकिन इसलिए जाएंगे कि कांग्रेस की ओर उनका बिल्कुल, क्योंकि पूरे 30 साल से कांग्रेस की नीति का वो विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस में जाने से उनका कोई भविष्य नहीं है। ये तय है कि यदि आम आदमी पार्टी में जाते हैं तो एक नया होगा, नया मंच होगा, नई संभावनाएं होंगी और नए लोगों को जोड़ने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि नई पारी उनकी वहां से शुरू हो सकती है। एक छोटा सा सवाल इसमें बस हल्का समझ लेंगे सर, इस तरह के जो प्रयोग रहते हैं जब बहुत ही बड़े कद्दावर नेता या कह सकते हैं बुजुर्ग जो नेता हो जाते हैं तो अपनी पार्टी में थोड़ा सा उपेक्षित होना महसूस करते हैं, वो जब पार्टी बदलते हैं तो इसका सक्सेस रेट कितना रहा है? देखिए सक्सेस रेट बहुत कम रहा है, हमने उमा जी का देखा है और पहले भी स्वयं माधव सिंधिया जी ने किया था प्रयोग विकास पार्टी बनाकर। लेकिन दरअसल क्या है कि चाहे जितने भी उमा भारती जी हों या दूसरे हों, इनके पास में खोने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन मलैया जी या अजय बिश्नोई जी या ब्रजेंद्र सिसोदिया जी, इनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये दाव खेल सकते हैं कि उनका अब जाना कुछ नहीं है। मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी इन्होंने एक तरफा कर दिया है, अलग थलग कर दिया है, तो अलग थलग तो हो ही चुके हैं, वो ढांसिए पर तो जा ही चुके हैं, एक प्रयोग करने में जाता क्या है। हो सकता है, देखिए राजनीति में कभी भी मतलब ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, संभावना से इनकार नहीं कर सकता। तीसरे जो कॉलम के लिए मैं रविंद्र से बात करूँ, उससे पहले मैं कोई वीडियो क्लिप दिखाऊंगा मध्य प्रदेश कृषि मंत्री कमल पटेल की, वीडियो क्लिप है, पहले आप देख लीजिए। कि हमने अच्छी नियत से लाए थे, इससे परिवर्तन ही आता, किसान वही रोता, लेकिन हम पूरे किसानों को कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए। हम अब किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और जब सब सहमत होंगे फिर लाएंगे। तो देखा आपने किस तरह से मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल यहाँ पर पार्टियन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर माफी मांगकर कहा कि वो किसान भाइयों को इस कृषि कानून के बेहतरी के पहलुओं को समझाने में नाकामयाब रहे, इसलिए वो कृषि कानून को हाथ जोड़कर वापस ले रहे हैं, पूरी तरह से उन्हें क्षमा मांगते हुए वापस ली है, विनम्रता के साथ वापस लिया। लेकिन यहाँ पर कृषि मंत्री कमल पटेल, मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री, उनका कहना है कि आने वाले समय में हम इस कानून को फिर वापस लाएंगे। आपने लिखा सर कृषि मंत्री का बड़बोला पर, देखिए आप यदि देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने ये तीनों कृषि कानून वापस लाते समय जो भी बयान दिया है उसको लेकर ये मध्य प्रदेश में एक संकेत आ गए थे राजनीतिक रूप से कि किसी भी नेता को, किसी भी मंत्री को, मुख्यमंत्री को कोई बयान नहीं देना है। आप देख लीजिए ट्विटर उठाकर, ना बी डी शर्मा जी ने इसमें कोई बयान दिया है, ना शिवराज जी ने कोई बयान दिया है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने एक बयान दे दिया कि हम समझाने में चूंकि असफल रहे हैं, अब हम समझा देंगे तो और फिर से ले आएंगे। यानी कि जो बात किसान संगठन लगातार ये कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद में नए रूप में इसको लाया जा सकता है, उस बात की पुष्टि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री करते दिखाई दे रहे हैं और इस बात को पार्टी हाईकमान ने बहुत गंभीरता से लिया है। देखिए आशुतोष जी, मैं बताऊं कि मेरे पास में पक्की सूचना है कि कृषि मंत्री के इस बयान की जो क्लिप है वो दिल्ली पहुंच चुकी है और कृषि मंत्री को वहां से इस बात के लिए फटकार भी लग गई है। संगठन लेवल पर भी उनको ये संकेत दिए गए हैं कि जिस मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी मौन है उस मुद्दे पर कम से कम कृषि मंत्री को इस तरह से बड़बोलापन नहीं करना चाहिए। तो हमने देखा है कि कमल पटेल जी पहले भी कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिसकी वजह से उनको खुद को परेशानी होती है, इस बार भी उनके सामने ऐसा ही दिखाई दे रहा है। यदि बहुत बड़ा मुद्दा उनका ये बयान दिल्ली में बन गया तो यहाँ पर उनका नुकसान होना भी तय मानता हूँ। तय बिल्कुल मानते, बड़ी बात है कृषि मंत्री का बड़बोलापन। और इसके आगे हम बढ़ेंगे, दल बदल का इनाम दो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सर यहाँ पर हेडिंग दी है। जोबट विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की टिकट पर जीतकर आई सुलोचना रावत को लेकर अब आपने कहा है कि वो अब इनाम मांग रही हैं, मंत्री बनना वो चाहती हैं। देखिए आशुतोष जी, सुलोचना रावत बड़ी कद्दावर नेता हैं, आदिवासी हैं, कांग्रेस से दो बार विधायक रह चुके हैं और अभी जो जोबट में उपचुनाव था विधानसभा का, उस चुनाव में कांग्रेस से उन्होंने टिकट मांगा था,
उस उनका बेटा जो विशाल रावत है वो पिछली बार निर्दलीय खड़े हुए थे और काफ़ी अच्छे वोट उनको मिले थे, यानी इस परिवार की उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो जो पार्टी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की चुनाव से पहले, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से तोड़कर लाई थी और उनको टिकट दिया था, तो इस चुनाव के दौरान उनके बेटे हैं विशाल रावत, उनका एक ऑडियो जारी हुआ जो अपने कार्यकर्ता से वो बात कर रहे हैं और उसमें वो क्लियर बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किन शर्तों पर आए हैं। और उसमें एक शर्त है कि चुनाव में यदि वो चुनाव जीतते हैं तो निश्चित तौर पर उनको तत्काल मंत्री बनाया जाएगा और एक अच्छा प्रभार दिया जाएगा। मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि अब चूंकि वो चुनाव जीतकर आ गई हैं सुलोचना रावत, और अब इस बात का दबाव उनका है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, शिवराज जी के ऊपर, कि जो वायदा उन्होंने ज्वाइन करने से पहले किया है उसका हमें इनाम दिया जाए और हमें मंत्री पद दिया जाए। अच्छा, केवल मंत्री पद की बात नहीं है, क्योंकि यदि इस तरह के लोगों को दिया भी गया तो छोटा मोटा विभाग दिया जा सकता है, लेकिन मेरे को जो सूचनाएँ आ रही हैं कि सुलोचना रावत की ओर से या सुलोचना रावत को भारतीय जनता पार्टी में लाने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के मैनेजर हैं उनके जरिए ये सारी सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं कि उन्हें वही विभाग चाहिए जो इमरती देवी के पास था, यानी कि महिला बाल विकास। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग को कमाऊ विभाग के रूप में माना जाने लगा है, और ये भी तय है कि वो एक अनुसूचित जाति की महिला थी इमरती देवी, ये अनुसूचित जनजाति की हैं, महिला हैं, और ये विभाग ज़्यादातर महिलाओं के पास ही रहता है। तो अब शिवराज जी को तय करना है, भारतीय जनता पार्टी संगठन को तय करना है कि सुलोचना रावत को कब बनाया जाता है, लेकिन ये तय है कि सुलोचना रावत अपनी दल बदल का जो इनाम है वो जल्दी से जल्दी चाहती है। इस तरह की परिपाटी भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेगी जो डिक्टेट करते हैं टर्म्स को, लेकिन इस बार कुछ अलग ही तरह की भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, इस पर आपकी टिप्पणी में चाहूँगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में जिस तरह से दल बदल करके कांग्रेस से लाया जा रहा है वो निश्चित तौर पर शर्तें रखी जाती हैं, और उन शर्तों को भारतीय जनता पार्टी इसलिए पूरा कर रही है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये सरकार उनकी चुनिंदा सरकार नहीं है, ये इस तरह तोड़फोड़ की सरकार है। अब दिक्कत अब देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने कांग्रेस के 28 विधायक एक बार तोड़े, फिर एक एक दो दो करके। आप देखिए कि दमोह चुनाव में, उपचुनाव में लगभग 27-28 हज़ार वोटों से हारने वाले राहुल आज भी एक निगम के अध्यक्ष हैं, लेकिन शिवराज सिंह, लेकिन जो सिंधिया जी के साथ एमएलए आए थे, तीन एमएलए का मैं जिक्र करना चाहूँगा जो मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश में, इमरती देवी को ले लीजिए आप, या गिरिराज दंडौतिया को ले लीजिए, एदल सिंह कंसाना को ले लीजिए, ये दुर्भाग्य से चुनाव हार गए, लेकिन इन्हें कहीं भी नहीं एडजस्ट किया गया। सिंधिया जी लगातार पिछले एक साल से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जो तीन साथी उनके चुनाव हार गए हैं उन्हें निगम मंडलों में एडजस्ट कर दीजिए, लेकिन नहीं हुए। आप देखिए राहुल हैं, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं कहीं जो शर्तें हैं वो पूरी करती है, लेकिन यदि आप चुनाव हार गए हैं तो निश्चित तौर पर ये आपकी कमी है, और जो नए लोग आ रहे हैं जिनको लेकर आया जा रहा है उनके साथ में जो शर्तें रखी जा रही हैं, मैंने देखा है कि 90% और 100% भारतीय जनता पार्टी उन शर्तों को तो पूरा कर रही है, और मुझे लगता है कि यदि मध्य प्रदेश में जब भी मंत्रिमंडल फेरबदल होगा सुलोचना रावत ना केवल मंत्री बनेंगी बल्कि उन्हें विभाग भी उनकी इच्छा के अनुसार ही मिलेगा। इस स्थिति में क्या कुछ और विभाग भी तब्दीली आप देख रहे हैं, कुछ और मंत्री के विभाग? देखिए, मध्य प्रदेश में अभी जो प्रधानमंत्री जी की यात्रा थी, जनजाति गौरव यात्रा के लिए वो आए थे भोपाल में, तो उसके बाद से ये अटकलें शुरू हो गई हैं कि मंत्रिमंडल में बहुत जल्दी फेरबदल होगा। अब कब होगा, कितने लोग आएंगे, मैं उस पर तो अभी बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मध्य प्रदेश में ये तय है कि शिवराज सिंह चौहान कुछ लोगों को अंदर ला सकते हैं और संगठन के आदेश पर कुछ लोगों को बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कब होगा इसका मैं कोई तारीख बताने की स्थिति में नहीं हूँ। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रविंद्र जी ने कही है कि कुछ लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है, ये बड़ी यहाँ पर कहीं ना कहीं खबर छन के बाहर निकल कर आ रही है। हिंसक होती राजनीति, सर अगला आपका जो हेडिंग है, मध्य प्रदेश की राजनीति हालांकि बहुत ही सौम्य मानी जाती रही है, शांति का टापू कहा जाता रहा है, और इसे उत्तर प्रदेश बंगाल जैसे राज्यों जैसे कभी इसकी तुलना नहीं की गई है, लेकिन अगर आप टाइटल दे रहे हैं हिंसक होती राजनीति, क्या वजह है? देखिए निश्चित तौर पर, देखिए आशुतोष जी, मध्य प्रदेश में मैं पिछले 35-36 साल से यहाँ जर्नलिज्म कर रहा हूँ, यहाँ कभी इतनी कटुता नहीं रही जितनी कटुता अभी हमें दिखाई देने लगी है। अभी एक दो घटनाएं ऐसी हुई हैं, यदि हम इस पर चोट नहीं करेंगे तो ये घटनाएं बढ़ेंगी। इन घटनाओं को रोकना केवल राजनीतिक दलों की नहीं, हम मीडिया वालों की भी जिम्मेदारी है। हमने देखा कि भोपाल के हमारे विधायक हैं रामेश्वर शर्मा जी, वो एक गाँव में गाँव वालों को बाकायदा मंच से और माइक से ऐलान करते हैं कि यहाँ कांग्रेसियों को मत घुसने दीजिए, यदि कोई कांग्रेसी आता है तो उसका घुटना तोड़ दीजिए। ये राजनीति में उचित नहीं मानते, वो बेशक मेरे मित्र हैं, हम साथ रहते हैं, लेकिन जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत भी होना चाहिए मीडिया में। मैंने उस पर लिखा है कि इस तरह के हिंसक बयान देना किसी भी राजनेता को शोभा नहीं देता है। और एक और बयान जो सिमरिया है रीवा के पास, वो सिमरिया के विधायक के पी त्रिपाठी जी, उन्होंने बयान दिया कि हम एक ऐसी नीति बना रहे हैं कि कांग्रेसियों का हार्ट फेल हो जाएगा, उनकी किडनी खराब हो जाएगी,
इस तरह की बातें मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुई हैं। इस तरह की आप किसी के मरने की, किसी के बीमार होने की यदि आप कल्पना भी कर रहे हैं राजनीति में आने के बाद, तो मुझे लगता है कि आपको राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे को, अकेले को नहीं, मीडिया के तमाम सारे जो प्लेटफॉर्म हैं उन्हें इन तमाम सारे मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए और लिया भी है। तमाम अखबारों ने छापा भी इस बात को कि विधायक को कांग्रेसियों को पैर तोड़ने और विधायक को कांग्रेसियों का हार्ट फेल होने, इस तरह के बयानों से अपने आप को दूरी बनाना चाहिए। हम मध्य प्रदेश में राजनीति करें, विरोध करें, लेकिन विरोध में कहीं भी कटुता नहीं होना चाहिए और कहीं भी हिंसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के बयान से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं या दोनों तरफ से आ रहे हैं? देखिए, अभी फिलहाल जो घटनाक्रम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के दो विधायकों की ओर से आया है, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उनको भी इतना ही गुरूर था जितना आज भारतीय जनता पार्टी को गुरूर है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कांग्रेस ही बहुत ज़्यादा दूध के धोले हैं या उन्होंने कभी नहीं किए, लेकिन मेरा ये कहना है कि सत्ता के पावर को पहचाना सीखना चाहिए आप लोगों को। यदि पेड़ पर आम लगते हैं तो आम पेड़ झुकता है, वो कभी तनता नहीं है। ये इसी प्रकार से जिन राजनीतिक दलों के पास सत्ता है उन्हें झुकना सीखना चाहिए, उन्हें इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। बहुत खूब सर, रिश्तेदार बन गए मुसीबत, आपने एक नया कॉलम दिया है, इसमें आपने किसी मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री के पसंदीदा पीए के कारण उनके मंत्री जी को मुसीबत में आने की बात कही है, हालांकि उनका नाम नहीं लिखा है। पहले मैं पूरा मजमून समझना चाहूँगा सर, क्या है पूरा मामला? देखिए आशुतोष जी, मेरा ये कॉलम सुनी सुनाई है, जिन खबरों की हम पुष्टि कर लेते हैं उन्हें हम खबर बनाते हैं, और जब कभी पुष्टि नहीं होती है तो हमारा सुनी सुनाई कॉलम में आता है वो। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री हैं जिन्होंने एक ऐसा स्टाफ में पीए रखा है जो उनके नाम से पूरी दुकान खोल के बैठा है। हमने मंत्री भी समझ गए हैं और हम भी समझ गए हैं और हमारे पाठक भी काफ़ी हद तक उस चीज़ को समझ गए हैं। और मेरे ख्याल से कई ऐसे मुद्दे होते हैं राजनीति में, कई ऐसी बातें होती हैं जो संकेतों में कही जाती हैं और संकेतों में समझी जाती हैं। मेरी बात, मेरा कॉलम में लिखी हुई बात मंत्री तक पहुंच गई है, मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी उसमें सुधार करेंगे। लेकिन दर्शकों, बहुत ही बखूबी यहाँ पर रविंद्र सर ने पूरी डिटेल लिख दी है, लेकिन नाम नहीं लिख पाता है। मैं थोड़ी सी दो लाइन उनके पढ़ के बताऊंगा जिससे आपको पता चले कितनी डीप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। 2020 में सत्ता के फेरबदल में भूमिका निभाने वाले कद्दावर मंत्री के पीए ने अपने रिश्तेदार की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जिलों के अधिकारियों पर जमकर दबाव बनाया। कुछ जिलों में मंत्री के पीए की दाल नहीं गली, लेकिन 15 से ज्यादा जिलों में अधिकारी दबाव में आ गए और नियम कायदों को ताक पे रखकर पीए के रिश्तेदार को फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया। विभाग के विसिल ब्लोअर भी कहां पीछे हटने वाले थे, वे भी मंत्री के पीए और उनके रिश्तेदारों का कच्चा चिट्ठा लेकर विभाग सहित कई एजेंसियों में शिकायत कर रहे। हैरानी की बात यह है कि जांच सबसे पहले विभाग ने शुरू कर दी है, ये बड़ी बात यहाँ पे आपने लिखी है। सभी जिलों से दस्तावेज भी मंगा लिए गए हैं, और ये भी बड़ी बात सर आपने लिख रहे हैं कि मंत्री का ही वो रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि पीए अपने रिश्तेदार के लिए दड़ेगाम जिलों में फोन ठोकना भी शुरू कर दे। तो ये बात देखिए आशुतोष जी, मैं इतना आपको संकेत में बता देता हूँ कि जो पीए इस समय मंत्री के पास है वही पीए कांग्रेस के समय जिस यही विभाग जिन मंत्री के पास था वहाँ भी थे, और उन्होंने वहाँ भी यही सब किया था, और इसलिए उनको ओएसडी पद से बीच में मंत्री ने हटाया था जब इस तरह की शिकायतें कांग्रेस शासन में हुई थी। दुर्भाग्य से वही व्यक्ति फिर से मंत्री का पीए है। की तारगेट खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब शुरुआत में कैबिनेट जब गठित हुई थी तब तमाम मंत्रियों को कहा था कि अपने पीओ से जो है वो सावधान, लेकिन क्या हो रहा है कि तमाम सारी बातें संघ भी बोल रहा है, संगठन भी बोल रहा है, मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे हैं, इसके बाद भी मैं आपके चैनल पर मुझे ये कहने में कहीं संकोच नहीं है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को जहां पहुंचाया था, अभी जो चौथी सरकार है या मंत्री उसको कई गुना आगे लेके गए हैं। भ्रष्टाचार को नहीं रोका तो मध्य प्रदेश में स्थिति बहुत बिकराल होने वाली है। भ्रष्टाचार एक बड़ी बहुत बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश। और अंत में सर आप लिख रहे हैं कि अजीब संयोग है कि दो राजनेताओं का आपने नाम लिया है और दोनों पर FIR हो चुकी है। जी देखिए आशुतोष जी, मध्य प्रदेश में ये माना जाता है कि यदि आप मुख्यमंत्री रहे हैं, यदि प्रधानमंत्री रहे हैं और प्रधानमंत्री के आप निकट रिश्तेदार हैं, उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, तो आपके पास बहुत पैसा होगा, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए कि प्रधानमंत्री के जो उत्तराधिकारी हैं मध्य प्रदेश में, जिनको जो सांसद रहे, मंत्री रहे, अनूप मिश्रा जी, मात्र 1 करोड़ रुपये की हेरा फेरी पर उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ इंदौर में FIR हो जाती है। मध्य प्रदेश के लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे सुंदरलाल जी पटवा, उनके भतीजे उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी, क्योंकि पटवाजी के कोई बच्चा नहीं था, उनने अपने भतीजे को ही अपने गोद लिया था और उन्हीं को अपना बेटा माना। सुरेंद्र पटवाजी मध्य प्रदेश के मंत्री रहे,
मतलब उनके उनके जो पिता हैं, बेशक जैविक नहीं है, पिता हैं, मध्य प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे, लंबे समय तक कद्दावर नेता रहे, और उसके बाद में सुरेंद्र पटवा खुद मंत्री रहे, विधायक रहे, आज भी विधायक हैं, और 35 करोड़ रुपए का लोन लेते हैं वो अपने फर्म के लिए, नहीं चुका पाते हैं, और उनके खिलाफ FIR होती है, बड़ी मुश्किल से अभी जेल जाने से बचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर CBI ने भी छापे भी किए हैं। तो मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश में ऐसे नेता भी हैं जो बड़े बड़े पदों पर रहकर भी अपना लोन नहीं पटा पा रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। मैं संकेतों में बोल रहा हूँ, मैं कह रहा था किसी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, ना मैं किसी को बेईमानी का दे रहा हूँ, पर मध्य प्रदेश में ऐसा भी है कि मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं के बेटे आज इस स्थिति में है कि अपना 1 करोड़ 35 करोड़ का लोन नहीं पटा पा रहे हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। काफी बातें सर बिटवीन द लाइंस भी हैं, तो आप समझा चुके हैं। तो दर्शकों, आज के सुनी सुनाई के एपिसोड में इतना ही। आने वाले दिनों में सर के साथ हम फिर बैठेंगे और ऐसी खबरें जो कहीं ना कहीं अखबारों की सुर्खियों में नहीं बन पाती लेकिन चर्चा का विषय जरूर बनती हैं, मध्य प्रदेश की सत्ता के गलियारों से और ब्यूरोक्रेसी की तमाम फाइलों के बीच में से उन खबरों को हम आपके सामने लेकर आएंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। आप और कुछ क्या जानना चाहते हैं और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा, और निश्चित तौर पर एक रिक्वेस्ट हम आपसे जरूर करेंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।